क्या विराट कोहली का 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप आखिरी टूर्नामेंट होने वाला है? इसके बाद क्या विराट कोहली ओडीआई क्रिकेट को छोड़ देंगे? ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये मैं नहीं खुलासा कर रहा, बल्कि साबिक कप्तान एक्स क्रिकेटर ने किया है और विराट कोहली के ही करीबी ने किया है। किसने किया है वो आपको बताएंगे। और इसके अलावा एबी डिविलियर्स के नजदीक कौन होगा मैन ऑफ द टूर्नामेंट आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का, वो भी हम इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाएंगे। और इसके अलावा क्या पाकिस्तान की जर्नलिस्ट को क्या वीजा इशू जारी कर दिए गए, वीजा क्या रिपोर्ट है वो भी आपको बताएंगे। और हम अपनी इस रिपोर्ट का आगाज करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो विराट कोहली का क्या आखिरी वर्ल्ड कप होने वाला है 2023? क्या इसके बाद विराट कोहली ओडीआई क्रिकेट को छोड़ देंगे? ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जब 2011 में इंडियन टीम चैंपियन बनी थी तो, और उसके बाद 12 साल के बाद 2023 इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप है, क्या इंडिया चैंपियन बन सकती है? तो अगर चैंपियन बनेगी 12 साल के बाद, ये वो इंडियन टीम है जिसमें कोई भी 2011 का वर्ल्ड कप खेलने वाला प्लेयर मौजूद नहीं है सिवाय विराट कोहली के। तो अब सबसे बड़ा सवाल फैंस के जहनों में ये है कि क्या विराट कोहली इसके बाद ओडीआई फॉर्मेट छोड़ देंगे? तो इसका खुलासा किया है एबी डिविलियर्स ने, और एबी डिविलियर्स कहते हैं कि दुनिया का वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर विराट कोहली है और ये उनके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि अगर टीम इंडिया वर्ल्ड कप 2023 जीतती है तो उनको अच्छी यानी अच्छे तरीके से रुखसत करना चाहिए। यानी उनका जो बेसिकली काम है, उनका जो बेसिकली कहने का मकसद है वो यही है कि विराट कोहली का बेस्ट टाइम है, अगर विराट कोहली टीम इंडिया को चैंपियन बनाते हैं तो वो बेस्ट टाइम है उनके पास कि वो अच्छे सेशन के ऊपर ओडीआई फॉर्मेट को वो छोड़ सकते हैं। और इसके अलावा वर्ल्ड कप 2023 का मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहने वाला है, इसका भी खुलासा कप्तान, साबिक कप्तान और 360 डिग्री मिस्टर 360 ने बताया है, एबी डिविलियर्स ने बताया। वो कहते हैं कि दुनिया में इस वक्त बाबर आजम है, स्टीव स्मिथ है, कप्तान बाबर आजम है, इसके अलावा रोहित शर्मा है, विराट कोहली है। उन्होंने कई प्लेयर्स के नाम लिए, उन्होंने कहा लेकिन इन सब के अंदर हर क्वालिटी मौजूद है, बट इन सब से जो मुझे लगता है, जो वार्नर का भी नाम लिया उन्होंने, स्टीव स्मिथ का भी नाम लिया, बट वो कहते हैं कि मेरे नजदीक जो मैन ऑफ द टूर्नामेंट है वो इस वक्त की करंट फॉर्म को भी देखते हुए शुभमन गिल है, और जिस तरह से वो ओडीआई फॉर्मेट में 2023 के अंदर रन करता आ रहा है, और मुझे ये लगता है कि 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंदर शुभमन गिल मैन ऑफ द टूर्नामेंट बन सकता है। और इसके अलावा क्या पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को क्या इंडिया जाने के लिए वीजा जारी कर दिए गए हैं? तो इसकी आज ही रिपोर्ट आई, सुबह को रिपोर्ट आई, जिसके मुताबिक कहा गया कि अभी तक ना आईसीसी की जानिब से कोई क्लियरेंस आई है और ना बीसीसीआई की जानिब से कोई क्लियरेंस आई है और ना इंडियन हुकूमत की जानिब से कोई क्लियरेंस आई है, और इसके अलावा कोई वहां की एजेंसी स्किल में भी कोई इस तरह की बात हो ही नहीं, डिस्कस ही नहीं होने किया। क्या पाकिस्तान के फैंस वहां पर जाएंगे इंडिया मैच देखने के लिए, और या क्या पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं क्या वो वर्ल्ड कप कवर करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से जाएंगे? अभी तक फिलहाल अपडेट यही है कि 3 तारीख तक कोई वीजा इशू नहीं किए जाएंगे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को।